सो एनीवे बंटाई हैज ड्रॉप्ड हिज न्यू सिंगल जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे हो। और इस ट्रैक में एनीवे बंटाई ने किंग को तो डिस किया ही है जो कि एक्सपेक्टेड था, बट उसके साथ साथ देयर आर मेनी अदर इंटरेस्टिंग डिटेल्स इन दिस सॉन्ग। एनीवे बंटाई का ये ट्रैक और इस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो हेवली इंस्पायर्ड है रीसेंट ड्रेक वर्सेस केंड्रिक लमार बीफ से, या फिर सिंपली ड्रेक और केंड्रिक लमार से। इस ट्रैक के फर्स्ट हाफ में हमें मल्टीपल केंड्रिक लमार इंस्पिरेशन देखने को मिले हैं। लाइक म्यूजिक वीडियो का जो पहला पार्ट है वो केंड्रिक लमार के N95 की म्यूजिक वीडियो से इंस्पायर्ड है। साउंडस्केप में केंड्रिक के रीसेंट डिस ट्रैक यूफोरिया की वाइब है। इसके साथ साथ तुम्हें मल्टीपल रेफरेंस केंड्रिक लमार के फोर्थ स्टूडियो एल्बम डैम से भी देखने को मिल जाएंगे। और जो सेकेंड हाफ का म्यूजिक वीडियो है वो ड्रेक के ट्रैक फैमिली मैटर्स से इंस्पायर्ड है। इवन सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स ड्रेक और जे कोल के ट्रैक फर्स्ट पर्सन शूटर से भी इंस्पायर्ड लग रहे हैं। इवन ट्रैक का सेकेंड हाफ साउंड वाइज और सैंपल वाइज भी ड्रेक के रीसेंट डिस ट्रैक फैमिली मैटर से इंस्पायर्ड लग रहा है। ओके, सो इन सारे डिटेल्स को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ एनीवे बंटाई के इस ट्रैक को थोड़ी मिक्स्ड रिव्यूज मिल रही है। कुछ लोग ट्रैक के कॉन्सेप्ट और लिरिकल अप्रोच को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कुछ लोगों को ट्रैक के लिरिक्स और वर्ड प्ले फोर्स्ड लग रही है। और मैं ट्विटर देख रहा था, कुछ लोगों का ये भी बोलना है ट्रैक के सेकंड हाफ में जो किंग के लिए डिस है वो भी अननेसेसरी है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस ट्रैक। व्हाट ले हो गया, दिस ट्रैक ठीक है। पहले तो हम ट्रैक को करेंगे वॉक थ्रू, साथ में तुम्हें ट्रैक का देखने को मिल जाएगा ब्रेकडाउन, और वीडियो के लास्ट में मेरा रिव्यू जानने को मिल जाएगा कि मुझे ये ट्रैक कैसा लगा। लेट्स गो। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में हमें ड्रेक के वोकल्स सुनने को मिलते हैं। When I made a choice to start singing, it was because of something that my father told me. जहाँ पे ड्रेक ये बोल रहे हैं, how he made choice and started singing after taking advice from his father. क्योंकि जब ड्रेक सीन में आए थे, तो कोई ऐसा रैपर नहीं था जो रैपिंग और सिंगिंग दोनों साथ में करता हो। Which was, you know, there's no rapper out there that sings and raps and does it well, does both things well. और अगर सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें कुछ डिफरेंट करना होगा जो बाकी लोग या फिर बाकी आर्टिस्ट नहीं कर रहे हैं। And he's like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is. और ये जो स्टार्टिंग में एमीवे बंटाई ने ड्रेक का वोकल यूज किया है, इसे एमीवे बंटाई ने अपने पर्सपेक्टिव में दिखाया है। जैसे कि एमीवे बंटाई उन रैपर्स में से एक है जिन्होंने कुछ डिफरेंट किया है DHH में, इंडियन हिप हॉप सीन में, अगर हम कंपेयर करें बाकी रैपर्स से। तो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मल्टीपल रैपर्स इंडियन हिप हॉप सीन में लेबल के अंदर साइन हो रहे हैं, एनीवे चूज टू बी इंडिपेंडेंट। और अगर हम स्टार्टिंग में म्यूजिक वीडियो पे नजर डालें तो म्यूजिक वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो केंड्रिक लमार के ट्रैक N95 से मिलता जुलता है। एंड इवन द कैमरा शॉट एंड ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच इन द म्यूजिक वीडियो इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम N95। और जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया था कि सॉन्ग के फर्स्ट हाफ में यू विल फाइंड मल्टीपल केंड्रिक लमार रेफरेंसेज, सो हियर यू गो। इसके साथ साथ अगर तुम स्टार्टिंग विजुअल्स पे नजर डालो तो एग्जैक्टली यही स्टिल हमें इस ट्रैक का म्यूजिक पोस्टर में भी देखने को मिला था। और तुम लोग देख सकते हो कि एनीवे खड़े है और एनीवे के आसपास मल्टीपल जूते रखे हुए हैं, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसके पीछे भी एक मीनिंग है और ये एक स्टोरी कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो एनीवे के पीछे जितने भी जूते रखे हैं, या फिर एनीवे जिस तरफ देख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड जितने भी शूज रखे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं हाउ अ आर्टिस्ट हु इज साइंड टू अ म्यूजिक लेबल हैज मल्टीपल एडवांटेजेस। अगेन अगर तुम लोग वीडियो में फोकस करो तो जो जूता रखा हुआ है उसके आगे एक लीवर लगा हुआ है जिसमें तुम देख सकते हो लिखा हुआ है म्यूजिक प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, जो कि ये बता रहा है कि कैसे जो आर्टिस्ट लेबल में साइन होता है उसके पास ये पूरी टीम होती है, इनकी एडवांटेज होती है। और एनीवे के आगे या फिर एनीवे जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसके राइट साइड में जो जूते रखे हुए हैं उसके आगे कोई लेबल नहीं लगा हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इंडिकेट कर रहा है कैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करता है। और वीडियो में एनीवे के साइड से हमें जो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला है ये एक फ्रेंच फोटोग्राफी से इंस्पायर्ड है। फिर इसके बाद हमें एनीवे के वोकल्स सुनने को मिलते हैं। 10 साल से रेलेवेंट, संभाला पूरा गेम, 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। तो यहाँ पे अगर तुम लोग एनीवे की फ्लो या फिर बीट पे ध्यान दो तो यहाँ पे हमें बहुत ही काम वाइब देखने को मिला है, जिससे तुम लोगों को अगेन केंड्रिक लमार के रीसेंट डिस ट्रैक यूफोरिया की थोड़ी बहुत वाइब आएगी। सो अगर हम लिरिक्स में ध्यान दे तो यहाँ पे एनीवे बोल रहे हैं कि उनको DHH में या फिर IHH में आए हुए अप्रॉक्स 10 साल हो गया है, और पूरे 10 साल से वो सीन में रेलिवेंट है और उन्होंने सीन को
गेम को संभाल के रखा है। 10 साल में 20 मिली इसको बोलते फेम। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि अपने पूरे करियर में, मतलब 10 साल के करियर में उन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं, एंड दिस इज द रियल फेम। 10 नंबर जर्सी नो मर्सी मेसी ए गेम। 10 नंबर जर्सी रेफरिंग टू फुटबॉलर लियोनेल मेसी, और जैसा मेसी ने फुटबॉल में किया है ही हैज शोन नो मर्सी, एमिवे बंटाई ने भी एग्जैक्टली वैसा ही रैप गेम में किया है। और अगर तुम लोगों को पता हो एमिवे बंटाई इज अ बिग मेसी फैन, शायद तुम लोगों को याद होगा एमिवे बंटाई और स्पीड का वो इंस्टाग्राम। दस में से दस पूरा 10 साल। So, यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं उनका पूरा करियर 10/10 है, परफेक्ट है। एंड देन ही सेज डैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनना। सो डैम वाज केंड्रिक लमार्स फोर्थ स्टूडियो एल्बम, और मैंने रिसेंटली इस एल्बम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाके एक बार वो वीडियो चेक करना, और जब तुम वो वीडियो चेक करोगे ना डेफिनेटली तुम जाके एल्बम सुनोगे और तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट एल्बम एक्सपीरियंस मिलेगा जो तुमने इसके पहले, मैं लिख के दे रहा हूं, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो केंड्रिक के एल्बम डैम का जो ट्रैक लिस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इस ट्रैक लिस्ट में तुम्हें हर ट्रैक सिर्फ एक वर्ड का देखने को मिलेगा और उस वर्ड के बाद एक डॉट केंड्रिक लमार ने यूज किया है। और यहाँ पे एमिवे बंटाई केंड्रिक लमार के उसी अप्रोच से इंस्पायर्ड है, और मल्टीपल वर्ड्स एमिवे ने इसके बाद, जब हम आगे बढ़ेंगे तुम देखोगे कि मल्टीपल वर्ड्स यूज किया एमिवे बंटाई ने सेम फॉन्ट स्टाइल में डॉट के साथ। इसके बाद एमिवे बंटाई 10 साल से लेकर के प्रेजेंट तक की अपनी लाइफ की जर्नी बताते हैं, और यहाँ पे एमिवे ने बहुत ही क्लेवर वर्ड प्ले कर रखा है, आगे हम बढ़ेंगे तुम्हें समझ में आएगा। शुरू हुआ 11 भिड़ने आया छोटे भारा। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि जब वो 11 साल के थे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, दैट्स वाई शुरू हुआ 11 भिड़ने आया छोटे बाहर। और जो बाहर आ वर्ड है वो न्यूमेरिकल 12 के जैसा साउंड कर रहा है। एग्जैक्टली तुम्हें ऐसे मल्टीपल वर्ड प्ले आगे देखने को मिलेंगे। तेरा मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15। यहाँ पे एमिवे बंटाई 13 साल से 15 साल की जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने तेरा मेरा करना छोड़ दिया था। उसके साथ साथ तेरा जो वर्ड है वो 13 न्यूमेरिकल जैसा साउंड कर रहा है, और छोड़ा जो है वो नंबर 14 के जैसा साउंड कर रहा है। कुछ भी नहीं जम रहा 16 जवाब देने लगा। और यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि जब वो 16 साल के हुए तो उन्हें कुछ भी नहीं जम रहा था और उनका सोल जवाब देने लग गया था। अगेन सोल हाँ साउंड कर रहा है नंबर 16 के जैसा। मेरे साथ रहा बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं मेरे साथ रहा बुरी आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। एंड अगेन अगर तुम देखो तो साथ रहा 17 के जैसा साउंड कर रहा है और हट रहा 18 के जैसा साउंड कर रहा है, तो वो अपने 17 और 18 साल के लाइफ फेज के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद हमें बाय एडलिप्स देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया था कैसे वो केंड्रिक लमार के डैम एल्बम से इंस्पायर्ड है। 19 पे अब 20s में 21 मिली बीकेपी। तो यहाँ पे एमिवे बंटाई बोल रहे हैं हूँ नीज में अब 20s में, मतलब एमिवे बंटाई यहाँ पे अपने प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि वो अब अपने 20s में है और वो नीज में है। नीज का मतलब वो घुटने में है, और घुटने में तुम तब होते हो जब तुम भगवान के आगे प्रे कर रहे होते हो। मतलब एमिवे बंटाई अब सारी बुरी आदतों से दूर हो गए हैं, अब वो भगवान को प्रे कर रहे हैं। हूँ नीज में अब 20s में 21 मिली बीकेपी, मतलब बीकेपी उन्हें एज ए ब्लेसिंग मिली है, उनकी फैन बेस जो है वो एज अ ब्लेसिंग मिले है। अगर हम इसके सेकंड लेयर के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स को डिनोट किया गया है, जैसे हू नीज 19 के जैसा साउंड कर रहा है, 20s नंबर 20 और 21 इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब है 21 मिली अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमारे 21 मिली सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। तुम्हें पता होगा एमवे का कॉन्सर्ट हुआ था जियो गार्डन में, जहाँ पे पूरा बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाम हो गया था, उसे रेफर किया है। कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने TNT। तो यहाँ पे एमवे अपने गानों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उनके गाने न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बॉम्ब और TNT इज अगेन एक्सप्लोजिव। जिसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन TNT। तू जिसके पीछे उसके लिए फोन मेरा ऑन TNT, मतलब तुम लोग जिसके पीछे भाग रहे हो उसके लिए मेरा फोन DND पे रखा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा हुआ है। DMB चेक नहीं करता आजकल मैं, दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हो हिमाचल में। यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि आजकल मैं अपना DMB चेक नहीं करता हूँ और मेरा दिमाग शांत हो रखा है जैसे मैं हिमाचल में हूँ। सो हिमाचल में लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, दिमाग शांत करने के लिए जाते हैं, शांत माहौल में जाते हैं, तो एमिवे ने उस वे में रेफर किया है। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं, एमिवे यहाँ पे अपने आप को बिलीवर बुला रहे हैं और वो खुदा की बात मानते हैं। मैं मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खारा नहीं हुआ एप्पल में। दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग लाइन, और शायद इसकी मीनिंग बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी होगी, कैच नहीं किया होगा। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे
इसी जन्म में धरती में ही जन्नत मिल गया है, इसलिए मैं एप्पल नहीं खा रहा हूं। सो द लैटिन वर्ड फॉर एप्पल इज मालूम, जिसका मतलब होता है एविल। कुछ रिलीजियस बिलीफ में ऐसा माना जाता है कि एप्पल एक फॉरबिडन फ्रूट है, विच कॉज द फॉल ऑफ मैन एंड ह्यूमैनिटीज एक्सपल्सन फ्रॉम पैराडाइज। इसलिए यहाँ पे एमीवे बोल रहे हैं कि इसलिए मैं एप्पल नहीं खाता हूं। इसके बाद एमीवे बंटाई और भी ज्यादा मेलोडिक जाते हैं और एमीवे एक बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर स्कीम यूज करते हैं। हर बार में इसके बाद तुम्हें कंप्यूटर का एक की देखने को मिलेगा। आगे देखो, हाई हो के लाइफ में एस्केप कर रहा था लो। यहाँ एमीवे बोल रहे हैं हाई हो के लाइफ में एस्केप कर रहा था लो, मतलब मैं लाइफ में हाई होके अपने लो पार्ट को, लो साइड को एस्केप कर रहा था, उससे बाहर निकल रहा था। एंड एस्केप अगेन कीबोर्ड का एक की होता है। बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन। बदला पर्सपेक्टिव, मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया और मैंने नए जोन में एंटर किया। अगेन एंटर कीबोर्ड का की। शिफ्ट करा माइंडसेट, अब खुद पे कंट्रोल। यहाँ पे एमीवे बोल रहे हैं कि मैंने अपना माइंडसेट जो है वो शिफ्ट किया और खुद पे कंट्रोल किया। अगेन यहाँ पे दो हमें कीबोर्ड की कीज देखने को मिले हैं, शिफ्ट एंड कंट्रोल। अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो। एमीवे बोल रही है अगर कोई अल्टरनेट ऑप्शन है तो उसे डिलीट मार दो, जो तुमने एम किया है उसी एम पे आगे बढ़ो, उसी को पूरा करो। एंड अगेन यहाँ पे हमें दो कीबोर्ड कीज देखने को मिले हैं, अल्ट और डिलीट। बताओ क्यों वी आर द यंग गोट इस सीन में। बताओ क्यों वी आर द यंग गोट इस सीन में। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट अगेन यहाँ पे हमें कीबोर्ड की कीज देखने को मिले हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी। क्योंकि असलर मेरे अब्बू ऊंची जींस में। तो जैसे लास्ट लाइन में एमीवे ने बोला था बताओ क्यों वी आर द यंग गोट इस सीन में, तो उसे ही यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं एमीवे बंटाई। क्योंकि हसलर मेरे अब्बू और वो चीज जीन्स में, क्योंकि मेरे जो फादर है वो भी हसलर थे और मेरे जीन में भी वही हसल जो है वो उनसे ट्रांसफर होके आई है। थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉक। यहाँ पे एमीवे बोल रहे हैं कि बस थोड़ी कामयाबी हासिल कर लो तो बंदे तुम्हारे अगेंस्ट बातें करने लग जाते हैं। पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने, नंबर लॉक। यहाँ पे एमीवे बोल रहे हैं पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने, नंबर लॉक। मतलब एमीवे नंबर 1 पोजीशन पे बैठे हुए और वो हमेशा ही बैठे रहेंगे, उनको कोई हिला नहीं पाएगा। एंड अगेन यहाँ पे कीबोर्ड के की को रेफर किया गया है, नंबर लॉक। और एमीवे बोल रहे हैं कि मैंने नंबर लॉक ही बंद कर दिया है, तो तुम अब मेरा नंबर, मेरा पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक। शायद वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं आराम से टाइम लेके हर चीज के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ तुम लोग को। शायद ये सब बातें तुम्हें बाकी चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए आराम से बैठ के अभी वीडियो बाकी है, आराम से बैठ के देखो, मजा आएगा। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है ग्राफी के साथ मिलकर के। इस कोर्स की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज। लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे प्राइस ज्यादा है बट अभी मैंने प्राइस थोड़ा कम कर दिया है तुम लोगों के लिए। तो अगर तुम FL स्टूडियो सीखना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, और तुम रैपर हो और सोच रहे हो कि मैं खुद अपना म्यूजिक प्रोड्यूस करूं, जैसे कि मल्टीपल रैपर्स एमीवे करते हैं, स्टैन करते हैं, तो तुम ये कोर्स बाय कर सकते हो। और लिंक मिल जाएगा तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार चेक करो, बढ़िया कोर्स है। और 14 डेज मनी बैक गारंटी भी है, तो ट्रस्टेड है। अगर पसंद नहीं आता है तो तुम पैसे 14 दिन के अंदर वापस भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड ज्वाइन द कोर्स। सो सेकंड हाफ के लिरिक्स में जाने से पहले हम बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो सेकंड हाफ की जो सैंपल सिलेक्शन है या फिर जो म्यूजिक स्टाइल है या फिर बीट पैटर्न है ना, वो ड्रेक के रीसेंट डिस्ट्रैक फैमिली मैटर से तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगा। इवन अगर तुम म्यूजिक वीडियो आगे देखोगे तो एमीवे बंटाई ने एक कार यूज कर रखा है जिसे टो किया जा रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा ही सेम हमें ड्रेक के वीडियो फैमिली मैटर्स में देखने को मिला था। सो वहां से ये इंस्पायर्ड है। पर क्या तुम लोगों को पता है कि ड्रेक ने जो कार अपने म्यूजिक वीडियो में टो किया था, वो सेम कार हमें केंड्रिक लमार के एल्बम गुड किड मैड सिटी के डीलक्स पोस्टर में देखने को मिला था। सो ड्रेक ने अपनी म्यूजिक वीडियो में उसको एज अ डिस यूज किया था कि भाई तुम्हारे कार को मैं टो करा देता हूं। और एमीवे ने उस म्यूजिक वीडियो से, ड्रेक की म्यूजिक वीडियो से रेफरेंस ली है और इंस्पायर्ड होके उससे यहाँ पे यूज किया है। उसके साथ साथ एमीवे के इस ट्रैक का पहला हाफ और दूसरे हाफ का जो स्विच है ना, वो भी मुझे ड्रेक के ट्रैक फैमिली मैटर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। सो जैसे ही इस ट्रैक का लिरिक्स स्टार्ट होता है, लास्ट ट्रैक बहुत ही ज्यादा काम था, एमीवे का फ्लो उसमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, काम था, बट दिस पार्ट इज रियली अग्रेसिव। स्ट्रेट अवे एमीवे बंटाई किंग के ऊपर शॉट्स लेते हैं और कॉल आउट करते हैं किंग को, जो किंग ने बात बोली थी कि कुछ आर्टिस्ट ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट और लेबल का होक्स क्रिएट कर दिया है। लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू एस्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए
ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्यों। तो यहां पे इनवे बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल कोई होक्स नहीं है। होक्स का मतलब होता है टू ट्रिक और मेक पीपल टू बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट रियल। तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। तो यहां पे इनवे बोल रहे हैं कि तू खुद इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि तेरे को खुद में होप्स नहीं है, तब तेरे को खुद में बिलीव नहीं है। LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं। LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं। LOL तुम्हें पता होगा स्लैंग है जिसे हम हंसने के लिए यूज करते हैं। सो एमवी में बोल रहे हैं कि तुम्हारी बातें LOL है पर ये कोई जोक नहीं है। उसके साथ साथ अगर तुम म्यूजिक वीडियो में नजर डालो तो LOL के टाइम पे एमवी ऐसे दिखा रहे, एल दिखाते हैं ठीक है, और LOL साउंड कर रहा अगेन एल और एल के जैसा, मतलब कि किंग ने जो बातें बोली है उससे किंग ने एल लिया है, लॉस लिया है। खुलेआम आके बोले लोग फैला रहे होक्स भाई। इसके बाद एनवीए बोल रहे हैं कि जो लोग खुलेआम आके बातें कर रहे हैं लाइक किंग ने जैसा कर रखा है, किंग जैसे लोग जो है वो होक्स फैला रहे हैं ना कि एमवीए बंटाई जैसे लोग। बाबू सुन क्या बोला तू, कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाया अफवा। और इसके बाद अगेन एमवीए बंटाई किंग के पॉडकास्ट में बोली गई बातों को काउंटर करते हैं। सो एमवीए यहां पे बोल रही है कि क्या बोला तू कि कुछ आर्टिस्ट अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट और लेबल का अफवाह फैला रहे। ये अफवाह नहीं है, तूने किया वो करा मैं। और फिर एमवीए बोलते हैं कि ये अफवाह नहीं है, जो तूने नहीं किया, जो तू नहीं कर पाया वो मैंने कर लिया। अगर तुम्हें पता हो तो किंग भी स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट थे, उनके स्टार्टिंग के मल्टीपल एल्बम अगर हम बात करें कार्निवल की, गोरिल्ला बाउंस की, तो वो सारे एल्बम किंग ने इंडिपेंडेंटली ही ड्रॉप किया था, बट उसके बाद वो लेबल से साइन हो गए थे। तो एनीवे उसी को पॉइंट आउट कर रहे कि तूने नहीं कर पाया, मतलब तू इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने वो करके दिखाया। खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हमने तनी तंग हुआ। अगेन तुम्हें समझ में आ गया होगा एनीवे यहां पे बोल रहे हैं हम खुद के मर्जी के मालिक है, हम लेबल से तंखवा नहीं लेते। तुषार भाई तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद। एनवे बोल रहे हूँ सार भाई तू स्मार्ट बन, साइन होके लाला तेरे हो गए है आंख बंद, मतलब लेबल से साइन होने के बाद तुम्हारे आंख बंद हो गया और तुम सही गलत नहीं देख पा रहे हो। बंद बना तो बाप बन, सारे सारे स्मार्ट बन, क्या बोल रहा सोच के बोल, थोड़ा कर दे बात बंद। यहाँ पे एमवी अगेन किंग को बोल रहे कि जो तुम बोल रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के बोला कर। चार जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब तू पहुंचेगा टॉप। यहाँ पे एमवी बोल रहे कि जब तू टॉप पे पहुंच जाएगा तब तुमसे चार जन हाथ मिलाने आएंगे, मतलब तुम्हें सपोर्ट करने आएंगे जब तुम टॉप पे पहुंच जाओगे। जब तुम्हारा स्ट्रगल चल रहा होगा, जब तुम हसल कर रहे होगे तब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट जब तुम खुद के दम पे ग्रो कर जाओगे तब लोग आएंगे हाथ मिलाने, लोग का मतलब लेबल्स आएंगे तुमसे हाथ मिलाने। फिर बनेंगे तेरे वो बाप, मुझे तो कहना ये बात था कि। और इसके बाद वो तुम्हारे बाप बन जाएंगे, तुम्हें ओवर पावर करेंगे। हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहे कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, पर हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है, मतलब हाथ मिला के मैं चल सकता हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, वो आर्टिस्ट के करियर को स्पॉइल कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर तुम देखो तो म्यूजिक वीडियो में हमें फर्स्ट पर्सन शूटर का रेफरेंस देखने को मिला है। फर्स्ट पर्सन शूटर में ड्रेक और जे कोल साथ में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं और यहाँ पे एमवी बंटाई भी चेस खेल रहे होते हैं, बट एमवी बंटाई किसी और के साथ चेस खेल रहे होते हैं, किसके साथ अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो फिर साइन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करके साइन नहीं करना। यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं अगर तुम्हारी कोई बेनिफिट नहीं है, लेबल वाले ही तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तो फिर साइन क्यों करना है, साइन करके कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। फिर एनवे यहाँ पे अगेन किंग को कॉल आउट करते हैं कि लोगों को सही ज्ञान दे और इंडिपेंडेंट और लेबल की बातों को कंबाइन मत कर। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से चलती है। इसके बाद अगेन किंग ने फैमिली का एग्जांपल देते हुए अपने पॉडकास्ट में यही लेबल और इंडिपेंडेंट वाली बातों को एक्सप्लेन किया था, उसे यहाँ पे एनवे बंटाई काउंटर करते हैं। बिजनेस सर फैमिली में भी यही होता है, फैमिली में ऐसे लोग देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अकड़ू होते हैं बड़े अलग चलते हैं, ठीक है, जो अकड़ू अलग चलते हैं ना लोग उन पे बिलीव कम करते हैं फैमिली में। किंग ने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि फैमिली का एक बंदा होता है जो अलग से चलने की कोशिश करता है, तो एमवी बंटाई बोल रहे भाई अलग से चलना पड़ता है और जो अलग चलता है अलग रास्ता में जाता है पूरी फैमिली उसी से जलती है, फैमिली की प्रॉब्लम है उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, अलग से चलना ही पड़ता है पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है। और वो बंदा जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है, उसे अपने आप पे बिलीव है, भगवान पे बिलीव है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे मिली अपने बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे मीवे बोलते हैं कि पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स, बंटाई से फिर कैसा टक्कर है, मतलब जो लेबल के आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट लेबल से साइंड होते हैं वो पैसे लगा के स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं, जिसमें कोई झूठी बात नहीं है, लेबल पुश करती है गानों को, चाहे वो आनंद म्यूजिक इंडिया हो या फिर कोई और टी सीरीज हो, कोई भी हो, वो एड्स चला के व्यूज पुश करती है, उसी को यहाँ पे एमवी कॉल आउट कर रहा है। पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स, बंटाई से फिर क्या टक्कर है। इसके बाद हमें यहाँ पे एमवी के साइड से थोड़ा फ्लो स्विच भी देखने को मिलता है। इतसाल से इतसार है, पास से पकड़ नहीं पा रहे, मुझे पा रहे,
कंपटीशन कोई नहीं मेरे साथ। इसके बाद एक बार आता है जहां पे एमवीए बोलते हैं मैं गाली दूं तो बुरा लगता है, बाहर गांव के लोग गाली देते हैं, मतलब इंटरनेशनल रैपर्स गाली देते हैं तो कूल लगता है तुम्हें, बुरा लगेगा तुझे मैं पे लाइक कूल जब भी बोले बाहर गांव के। अगेन रेफरिंग टू मचाएंगे 4 जहां पे एमवीए वन टाइम ने मां को गाली दी थी, ठीक है, और फिर वो उनको बैकलैश मिला था, गाना टेक डाउन करना पड़ा था, बहुत सारी चीजें हुई थी। डिफरेंट है वाइब जब भी तू घुसता है बूथ, यहाँ पे एमवीए बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि डिफरेंट है वाइब जब मैं बूथ में घुसता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करने घुसता हूँ। मैं कहता बंटाई और एमवीए मेरे दो दो है रूप, यहाँ पे एमवीए बोल रहे हैं कि बंटाई और एमवीए मेरे दो दो है रूप। यहाँ पे एमवीए अपने अल्टर ईगो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगेन मैंने बोला था ना फर्स्ट पर्सन शूटर का रेफरेंस है, यहाँ पे ड्रेक और जे कोल साथ में चेस खेल रहे थे तो यहाँ पे एमवीए बंटाई खुद से ही चेस खेल रहे, ठीक है, और बोल रहे हैं कि एक एमवीए और एक बंटाई मेरे दो दो है रूप। अगेन एमवीए यहाँ पे अपने आप को इकलौता सेवियर बुला रहे हैं हिप हॉप का, इंडियन हिप हॉप का, एग्जैक्टली जो किंड्रिक लमार ने क्लेम किया है, ठीक है। अगेन बहुत सारी चीजों को मैं इंटरनेशनल हिप हॉप से रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रैक बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है इंटरनेशनल हिप हॉप से और रिसेंट डिस ट्रैक जो ड्रॉप हुए उनसे, तो करना पड़ेगा भाई। NBS star forever, हर गाना बोले तो हो। फिर हमें ट्रैक का लास्ट बार सुनने को मिलता है NBA star forever, हर गाना बोले तो हूप। हूप का मतलब रिंग जहां पे बास्केटबॉल को थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। और उसके बाद हमें कोबी ब्रांड का भी नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। और अगर तुम देखो इस बार में एंड बी अ साउंड कर रहा है NBA के जैसा, इसलिए कोबी ब्रांड का नेम ड्रॉप NBA ने कर रखा है, रियली गुड बार। और फिर इसके बाद हमें एमवी के साइड से स्पोकन वर्ड्स देखने को मिलते हैं जहां पे एमवी ये बोल रहे होते हैं कि एमवी के पास बॉलीवुड खान्स के जैसा फैन बेस है, उनके जैसी फैन फॉलोइंग है। अगर किस चीज की है मालूम बात नहीं है तो उस चीज की बात मत करो। और फिर एमवीए बोलते हैं कि एक महान इंसान ने एक बात बोली थी कि अगर तुम्हें किस चीज के बारे में पता नहीं अच्छे से तो उसके बारे में बात मत करो, और फिर बोलते हैं कि वो महान इंसान मैं ही हूं, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू एंड ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रैक। सेकंड हाफ में मैंने कुछ बार स्किप किए क्योंकि वो भाई समझ आ रहे थे सीधा, मैं पूरा एक्सप्लेन करता तो वीडियो और लंबा होता है, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया था, ठीक है। सो इस ट्रैक का जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस किया है टोक्यो ने। अगर हम बात करें म्यूजिक की, आई लव द म्यूजिक प्रोडक्शन भाई। म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है केंड्रिक लमार से, ड्रेक से। सेकंड हाफ जो है वो ड्रेक के ट्रैक फैमिली मैटर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इवन सैंपल भी मुझे बहुत हद तक सिमिलर लगा, इंस्पायर्ड लगा। इवन जो बीट स्विच है ना वो भी तुम्हें फैमिली मैटर्स की याद दिलाएगा, अगर तुमने फैमिली मैटर्स सुन रखा है तो वैसा ही बीट स्विच यहाँ पे यूज किया गया है। सो अगर हम बीट में देखें बहुत ही अच्छे से इंस्पिरेशन लिया गया है, और एमवीए की जैसी डिमांड थी आई थिंक एमवीए ने म्यूजिक प्रोड्यूसर को बोला होगा कि भाई ऐसा मुझे बीट चाहिए, और एग्जैक्टली म्यूजिक प्रोड्यूसर ने वो बीट ला के दिया है। बीट के साथ मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, बीट वॉज रियली गुड, गुड जॉब बाई म्यूजिक प्रोड्यूसर। So, अब हम आ जाते हैं एमवीए बंटाई के परफॉर्मेंस में। पहली चीज, क्या एमवीए बंटाई ने ये सही किया डिस करके, गलत किया? एग्जैक्टली मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वहां पे मैंने सेम चीज को एक्सप्लेन किया था और मैं उसी चीज पे स्टिक हूं अभी तक, मैंने अपनी बातें चेंज नहीं करी है। तुम चाहो वो जानने के लिए, वो साइड जानने के लिए तुम वो वीडियो मेरा रेफर कर सकते हो। सो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, होल ट्रैक इज हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम केंड्रिक लमार, ड्रेक एंड इवन जे कोल, बिग थ्री से पूरा ट्रैक इंस्पायर्ड है। मल्टीपल रेफरेंसेज यूज किए गए हैं, यूफोरिया के, डैम के, गुड किड मैड सिटी के, फैमिली मैटर्स के, इवन ड्रेक का वोकल यूज किया गया है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, रैपर्स जो है DHH रैपर्स बाहर के आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि इंटरनेशनल हिप हॉप भी फॉलो किया करो। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जाके अगर तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और एनीवे ने मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से निभाया है। पहला पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ की, फर्स्ट हाफ वॉज रियली स्मूथ, बहुत ही अच्छे से निभाया गया है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। इवन जूतों से स्टार्टिंग में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट और लेबल को दिखाया गया है, रियली गुड जॉब। फर्स्ट हाफ में मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, आई रियली लव द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ की बात करें, अगेन डिस वाली पॉइंट में मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट सेकेंड हाफ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ ना कि वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। एमवीए का फ्लो, एमवीए की डिलीवरी और बेटर हो सकती थी, मुझे ऐसा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एमवीए ने ट्रैक का सेकेंड हाफ थोड़ा हरी में कंप्लीट कर दिया है, थोड़े जल्दीबाजी में कंप्लीट कर दिया। अगर वो थोड़ा और टाइम देते ना तो आई थिंक बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में लिरिकल एनवी हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा लिरिकली स्ट्रांग था फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ लिरिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक जाता हुआ मुझे नजर आया। रेफरेंसेज उतने यूज नहीं किए एनवी बंटाई ने, बट स्टिल एनवी ने एलिगेशंस को काउंटर किया है, किंग ने जो बातें बोली थी उसको काउंटर किया है, बट एमवीए की एबिलिटी को देखते हुए और बेटर तरीके से वो काउंटर कर सकते थे, जो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। बट ओवरऑल अगर हम ट्रैक की बात करें तो मेरे साइड से ज्यादा कंप्लेन नहीं है, ओवरऑल आई लाइक द ट्रैक, मुझे ओवरऑल ट्रैक पसंद आया।
ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल रिव्यू। तुम्हारी क्या फीडबैक है इस ट्रैक को लेकर, कमेंट करके बताना तुम्हें ये ट्रैक कैसा लगा और तुम्हें ये ब्रेकडाउन कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ब्रेकडाउन के लिए, और तुम्हें और ही ब्रेकडाउन चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।